अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने सेपरेबल इक्वेशंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने जो है सिंपल आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है उनको देखना है और उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। हमारे पास हमें हमने देखा था कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास तब नॉन लीनियर होती है जब आपके पास डेरिवेटिव की डिग्री विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री या फिर आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री वो दोनों आपके पास 1 के अलावा कुछ भी हो तो आपके पास जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। सिमिलरली आपके पास जो कोफिशियंट्स होते हैं वो हमारे पास सिर्फ डिपेंड कर रहे हो एक्स के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास इस फॉर्म की होती है a1 of x dy over dx। ये फर्स्ट ऑर्डर है। ऑर्डर इसका फर्स्ट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसकी जो आपके पास जो डेरिवेटिव मैक्सिमम अपीयर हो रहा है वो वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि आपके पास ये जो कोफिशियंट है वो भी सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और आपके पास जो डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री है वो भी 1 है और आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री भी 1 है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास इस फॉर्म की होगी उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। नेक्स्ट हमारे पास टू टाइप हमारे पास दो दो तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है। अगर आपके पास जो राइट हैंड साइड पे कोई भी जो फंक्शन है वो अपीयर हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस होती है। अगर हमारे पास ये g(x)0 हो जाए तो इट मीन्स दिस इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। व्हेन दिस g(x)0 द लीनियर इक्वेशन 1 इज सेट टू बी होमोजीनियस, अदरवाइज इट इज सेट टू बी नॉन होमोजीनियस। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन 1 है ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे ऑब्टेन होती है, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको आप क्या करोगे a1 of x से डिवाइड कर दोगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास आ जाएगा dy/dx प्लस a0 of x डिवाइडेड बाय a1 of x टू y इज इक्वल टू g(x)/a1 of x। हमने क्या किया, आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ टर्म अगर कोई अपीयर हो गया आपने पूरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको उससे डिवाइड कर दिया तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब इसमें हमने ये जो टर्म है इसको नाम दे दिया कि दिस इज़, क्योंकि एज अ रिजल्ट आपके पास सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड हो रही है तो हम इसको कह देते हैं कोई p(x) है, कोई भी फंक्शन बनेगा जो सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड है। दूसरा हमने देखा ये, इसको हमने नेम दे दिया दिस इज़ f(x). एज अ रिजल्ट आपके पास क्या फॉर्म बन गई, dy/dx प्लस p(x)y = f(x). दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पियर हो रही है 1 के अंदर, इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको देखते हैं। अब आपके पास इसके जो हैं दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एज अ रिजल्ट मतलब आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उनका सम आपके पास एक सॉल्यूशन होगा इसका। बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज़ द सम ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपके पास सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ yc + yp। ठीक है, वेयर दिस कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल, अब आपके पास जो ये इक्वेशन बन रही है ना ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है।
ठीक है। अब इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, वो दो सॉल्यूशंस बेसिकली इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो उन दोनों सॉल्यूशंस का सम होगा, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास है वो एक तो वाई सी है, वो जो वाई सी है डेट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, और किसके क्रॉस्पोंडिंग होगा, वो होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉस्पोंडिंग। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वो हमारे पास किसके क्रॉस्पोंडिंग होगा, वो जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स पी साथ आ रहा है उसके क्रॉस। एंड वाई पी इज़ द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टू। अब हमने क्या किया, हमने कहा ये जो है ये इस इक्वेशन का सलूशन है, जब ये इसका सलूशन होगा तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल y की जगह वाई सी प्लस वाई पी को सब्सटीट्यूट कर दिया, पी ऑफ एक्स इंटू वाई सी प्लस वाई पी, तो देन दिस इज, ये अंदर हमने अप्लाई किया तो डी वाई सी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई सी, और सिमिलरली ये हमारे पास आ गया, ये टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। आप इसको अंदर अप्लाई करो किया, फिर उसके बाद हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब हमें पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास इसका मतलब है ये वाली टर्म क्या आ गई, जीरो, और ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसके क्रॉस्पॉन्डिंग है, तो ये हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ एक्स। तो ये इन्होंने वेरीफाई किया हुआ है यहाँ पर, ये हमने अभी वेरीफाई किया है कि हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास क्या है अगर इसको देखा जाए, दिस इज़ अ सेपरेबल इक्वेशन, ठीक है, सही है। तो इट मीन्स अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो, दिस इज़ अ सेपरेबल इक्वेशन, इसका मतलब ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव पी ऑफ एक्स इंटू वाई, और आपके पास ये आ गया डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू नेगेटिव पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट किया, तो ये आपके पास आ जाता है लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ ऐसे ही नेगेटिव पी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया, तो लॉग एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट, वाई इक्वल टू ई की इंटीग्रल नेगेटिव पी ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हमारे पास सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि अब हमारे पास जो टर्म अपीयर हो गई है वो आ गई है ई की इंटीग्रल नेगेटिव पी ऑफ एक्स डी एक्स, इसको आप लॉग ऑफ सी करके और इधर इधर भी लेके जा सकते हो, तो फिर एज अ रिजल्ट आपके पास जब इसको ये लॉग ऑफ वाई नेगेटिव लॉग ऑफ सी होगा, तो दिस इज लॉग ऑफ वाई ओवर सी, और ये फिर हमारे पास जो सी है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये देखा कि ये आपके पास जो होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है ये हमारे पास सेपरेबल है, ठीक है, और जब हमारे पास ये सेपरेबल थी तो उसके क्रॉस्पोंडिंग हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, ये। और जनरली हम जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है उसको जो है वो राइट कर लेते हैं कि दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ वाई वन ऑफ एक्स, क्योंकि अब बस ये आ गया और ये हमारे पास साथ आ गया, वाई वन को क्या नाम दे दिया, वाई वन इज एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट वी विल यूज दिस वाई वन टू डिटरमाइन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाई पी। अब हमने देखा कि इस इक्वेशन का एक तो वाई सी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के क्रॉस्पॉन्डिंग उसका जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो वाई पी पार्टिकुलर सॉल्यूशन है डेट इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स इन टू वाई वन ऑफ एक्स, वाई वन आगे हमने निकाला, ये जो अब हम प्रोसीजर करने लगे हैं इस प्रोसीजर को हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। लेट्स सपोज वाई पी इज यू ऑफ एक्स इन टू वाई वन एक्स, वाई वन वी हैव फाइंड आउट द वायन वन, तो वाई वन हमारे पास क्या था, ई नेगेटिव इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दिस पार्टिकल सॉल्यूशन की हमारे पास ये फॉर्म बन गई, वे वी नो डेट पार्टिकल जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या था, सी वाई वन, ठीक है।
अब वाई पी जो हमने लिया, वाई पी इसको जो यू वाई वन हमने कंसीडर किया, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया नॉन होमोजीनियस इक्वेशन टू के अंदर, वो हमारे पास यही थी, ठीक है। अब जब हमने उसको उसके अंदर सब्सटीट्यूट किया तो आपके पास एज अ रिजल्ट क्या आ जाता है, वो हमारे पास ये थी डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन टू थी। इसके अंदर अब हमने जो है वो वाई पी जो कंसीडर किया हुआ है, तो वाई पी हमारे पास क्या था, डी ओवर डी एक्स इंटू यू इंटू वाई वन ओवर एक्स। तो इसके ऊपर डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करोगे तो दिस इज़ यू इंटू फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई वन ओवर डी एक्स प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव और प्लस पी ओ एक्स इंटू वाई पी की जगह आपके पास ये आ गया। तो सिमिलरली हमने जब इसको और इसमें से इस दोनों में से यू कॉमन लिया तो आपके पास ये चीज़ आ गई, और हमें पता है ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ये जो वाई वन है ये होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपके पास ये जो है टर्म जीरो आ गई और एज अ रिजल्ट आपके पास वाई वन डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ ओ एक्स। अब फिर हमारे पास ये जो है इसको ये सेपरेबल इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको फिर हमने उसी पैटर्न पर सॉल्व किया तो आपके पास जो है u किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट वी विल डू y1 को आप उस तरफ ले जाओगे, देन वी विल टेक द इंटीग्रेशन एंड वी गेट दिस। अब हमें पता है y1 क्या है, e नेगेटिव इंटीग्रल p ऑफ x dx, इट मींस 1 ओवर y1 ये जो आएगा वो e इंटीग्रल p ऑफ x dx है। तो इट मींस आपके पास यहाँ पे जो u आ जाता है वो क्या आएगा, u इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ई इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स और साथ आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमें पता है वाई पी आपके पास क्या है, वाई पी इज़ यू इंटू वाई वन, यू हमने फाइंड आउट कर लिया है वो आपके पास ये है, इसको सब्सटीट्यूट किया वाई वन हमें पहले देखा, हमें पता है क्या है वाई वन, हमारे पास ई नेगेटिव इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स और साथ आपने ये जो यू की वैल्यू है उसको इधर सब्सटीट्यूट किया, तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इट मीन्स जो आपके पास वाई है विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड विच इज़ द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमने ये निकाला, पार्टिकुलर ये, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर टू। अब बजाइए कि आप जो है किसी भी इस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी टू, उसका हमने कोई भी जब सॉल्यूशन निकालना है तो बजाइए कि आप ये फॉर्मूला पूरा इसको याद करो, आप इसका एक प्रोसीजर जो है उसको माइंड में रख लो। इसमें अब आपको जो टर्म याद रखनी पड़ेगी वो सिर्फ ये है, ए इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, बाकी जो है वो हम एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए किसी जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने जो लीनियर इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेकंड नंबर पे आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट किया है उसमें आपने पी ऑफ एक्स टर्म को आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपने उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस से, ये जो आपके पास टर्म है ई इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पी ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है, देन यू विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर आप देखोगे कि वो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन बन रही है वो डेरिवेटिव ऑफ सम टर्म होगी, फिर आपने उसको इस फॉर्म में लिख देना है। जब आपके पास इस फॉर्म में लिख देंगे तो एट द एंड आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो आपके पास जो है वो हम लीनियर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली इस इन चार स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम ये इक्वेशन देखें एग्जांपल वन के अंदर, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले से उस फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है उसको
सबसे पहले फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने पी ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई किया, तो अगर आप इसको कंपेयर करो अपने इस इक्वेशन के साथ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारे पास पी ऑफ एक्स है वो क्या है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव थ्री। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स आ गया, तो हमने सिंपल क्या निकाल लिया, ई इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, जो आपके पास क्या आ जाएगा, ई इंटेग्रल नेगेटिव थ्री डी एक्स, और एज अ रिजल्ट आपके पास ई नेगेटिव थ्री एक्स जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने वो जो पूरी इक्वेशन थी उसको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ई नेगेटिव थ्री एक्स एंड वाई। आप इन टर्म का डेरिवेटिव लो तो आपके पास ये ही रिजल्ट बन रहा है। एंड एट द लास्ट स्टेप यू विल इंटीग्रेट दिस, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट और आपके पास ई नेगेटिव थ्री एक्स वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, और ये हमारे पास इसका कोई भी सोल्यूशन आ गया, वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल को उस तरफ ले गए तो सी ई थ्री एक्स। सिमिलरली हमने ये जो है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को जब इसी केस में सॉल्व किया तो वही पैटर्न को फॉलो किया। आपने देखा कि हमारे पास जो है पी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव थ्री है, ई इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स निकाला, उसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है बहुत सारी रूट से, तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म बन गया, और जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो होगा, दिस इज वाई पी एंड दिस इज वाई सी। तो यहाँ पे यही बताया गया कि आपके पास जो यहाँ पे वाई सी है डेट इज सी ई थ्री एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ थ्री एक्स एंड वाई पी इज नेगेटिव टू, विच इज़ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस। इसको जो मजीद हम जो डिटेल्स है वो चैप्टर फोर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास जो एग्जाम्पल थ्री है उसके अंदर हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके लिए हमने देखा यहाँ एक्स आ रहा है, तो पूरी जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एक्स से डिवाइड कर दिया, एज अ रिजल्ट हमारे पास ये इक्वेशन 10 बन गई। अब इसमें अगर हम इसको इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर 2 के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव 4 ऑफ एक्स, और यहाँ एफ ऑफ एक्स इज दिस। इट मीन्स आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई इंटीग्रल पी ऑफ एक्स क्या है, नेगेटिव 4 ओवर एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास आ गया ई इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स क्या आता है, लॉग ऑफ एक्स, ये सारा नेगेटिव ऐसे और ये 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास ये आ गया, अब ये जो नेगेटिव है 4 है हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी है, ये ऊपर आ एक्स की पावर में चला जाएगा, लॉग एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट, आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो नेगेटिव 4 आ गया। आपने इक्वेशन को उसके बाद इस एक्स की नेगेटिव 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और फिर इसको आपने क्लोज्ड फॉर्म जो है इसकी जो डेरिवेटिव जिन दो टर्म्स का बन रहा है उसमें शिफ्ट कर दिया, वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए इंटीग्रेशन ली तो आपके पास ये जो है सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली इसी पैटर्न पर एग्जाम्पल 4 है, इसको आपने सोल्व कर लेना है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। एग्जाम्पल 5 भी इसी पैटर्न पे है, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 6, इसमें भी हमारे पास कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे दिया और आपके पास जो एफ ऑफ एक्स अपीयर हो रहा है इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उन्होंने क्या है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 है जब एक्स बिटवीन 0 टू 1 है और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए वो 0 है। ये हमारे पास कोई भी डिसकन्टीन्यूस फंक्शन है, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास क्या है, जब एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 टू 1 है तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है, एक 1 हमारे पास दे रहा है, और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वाई जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ रहा है वो क्या है, वो 0 आ रहा है। तो ये हमने इसको ग्राफिकली इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब इसका मतलब है हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमने इसको पहले इंटरवल्स को देखना पड़ेगा, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इफ़
फॉर द एक्स बिटवीन 0 टू 1 हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बनती है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज 1। इस इंटरवल के अंदर सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है 1, ठीक है। अब इसमें हमने फिर सिंपली वो अपना देखा पी ऑफ एक्स क्या है, तो हमारे पास पी ऑफ एक्स 1 आता है और e की इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स, तो ये आपके पास e की x आता है, तो e की x से आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और फिर आपके पास ये फॉर्म आ गया। तो इसको हमने y के लिए सॉल्व किया तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया। उसके बाद हमें पता है हमारे पास इनिशियल जो कंडीशन है वो गिवन है y ऑफ 0 0, तो आपने वो सब्स्टिट्यूट की तो c1 भी आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म आ गया। अब हमारे पास इस इंटरवल के अंदर सोल्यूशन आ गया। अब हमने दूसरे इंटरवल x ग्रेटर देन 1 के लिए देखा, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास जो है इक्वेशन है वो बनती है ये, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0 हो जाता है। अब सिंपली इसको भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पी ऑफ एक्स आइडेंटिफाई किया, पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया आपने बोथ साइड्स, तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आ जाता है ये। इट मीन्स वाई जो सोल्यूशन है वो 1 नेगेटिव दिस इस इन दिस इंटरवल और ग्रेटर देन 1 के लिए ये देता है हमारे पास अदर वैल्यूज। अगर हम साथ एक और इनिशियल एक और कंडीशन सब्सटीट्यूट करें कि आपके पास जो y वो 1 है वो हमारे पास x अप्रोच कर रहा है जब 1 पॉजिटिव y ऑफ x इंटू y 1, तो उसके ऊपर अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 1 अगर हम उसकी सब्सटीट्यूट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास c2 हम जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c2e negative 1 तो c2 की जो वैल्यू है इस केस में हमारे पास ये आ गई है, तो इट मींस हमारे पास जो सोल्यूशन है वो अब ये बन गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें जो आपके पास फंक्शन था वो एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके सोल्यूशन को डिस्कस किया। इनसे रिलेटेड कोई आप लोगों के पास क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये जो एक्सरसाइज 2.3 है इसमें भी आप लोगों ने 1 से 45 तक ऑड क्वेश्चंस करने हैं, जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो।